नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सभ्रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जब ज्ञान घर में प्रवेश कर जाता है तो घर मंदिर बन जाता है, और जब ज्ञान व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति देवता बन जाता है, महान बन जाता है। वास्तव में ज्ञान और सुंदर बातें केवल कहने सुनने दीवारों पर लिखने के लिए नहीं हैं, लेकिन ये जीवन में लाने के लिए हैं। जब ये जीवन में आ जाते हैं तो सचमुच जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, खुशहाली से परिपूर्ण हो जाता है, और औरों के लिए भी प्रेरक और आदर्श बन जाते हैं हम सभी। आज भी देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के हम नमन करते हैं, और उनके अंदर जो दिव्य गुण हैं उन दिव्य गुणों को स्वयं में भी लाने के लिए या उनसे वर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या ऐसे ही सुंदर ज्ञान को, ऐसे ही सुंदर दिव्य गुणों को हमें भी अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए? यदि ये जीवन में आ जाएं तो सचमुच ये संसार स्वर्ग बन जाएगा और घर घर मंदिर बन जाएंगे। तो हम इस सुंदर ज्ञान को, जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन करते हैं, सुंदर बातों को जिन्हें हम सुनते हैं, जो लगता है कि ये सचमुच जीवनोपयोगी हैं, उन्हें जीवन में उतारते चलें और अपने जीवन को प्रेरक और आदर्श बनाते चलें। तो आइए इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है प्रेम। प्रेम एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे मन को संतुष्ट और स्थिर रखने में सहायता करती है। प्रेम हमारे अंतर्मन को सुकून, आनंद और संतुष्टि से भर देती है। यह हमारे और दूसरों के बीच के संबंधों को मजबूत और खुशहाल बना देती है। विश्व भर में तंबाकू से होने वाली मौतों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में ये तय किया गया कि तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाए ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए। तो आइए इस दिवस पर हम सब भी प्रण करें कि अपने चारों तरफ हम जागरूकता अवश्य फैलाएंगे और सारे विश्व को तंबाकू से मुक्त करेंगे। और इसी पर आधारित है आज का हमारा विशेष स्वास्थ्य सेगमेंट भी। आज का दिवस पूरे विश्व में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल तंबाकू से होने वाली मौत 14 लाख है। लोग क्यों लेते हैं तंबाकू? आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ता है। तो तंबाकू में निकोटीन है, टार है, हर्मीन है। निकोटीन एक बहुत पावरफुल पॉइजन है। ऐसा कहा गया है कि पोटेशियम साइनाइड के बाद निकोटीन सबसे पावरफुल पॉइजन है, और ये एडिक्शन पैदा करता है। एक सिगरेट हमारे 7 से 11 मिनट कम करती है जिंदगी की। इट किल्स यू। इसको रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसको हम स्ट्रिक्ट बनाएं, एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाएं, पर्टिकुलरली मूवीज में जो दिखाते हैं उसको कम्प्लीटली बैन करें, और जो हमारे यंगस्टर हैं वो स्पोर्ट्स को खेलें, अल्टरनेटिव चीज़ों को करें, कलाओं का विकास करें, डांस है, म्यूजिक है, वो करें। और मेन है लर्न टू से नो। अगर हम खुद ही उसको मना करेंगे प्राइमरी लेवल पर तो ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है इसका राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन से मन और शरीर में एक रिलैक्सेशन आता है, एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और सबसे बड़ी बात है राजयोगा मेडिटेशन से हैप्पी हार्मोन्स आते हैं जिसमें डोपामिन और सीरोटोनिन है, और ये हार्मोन का लेवल अगर इम्प्रूव होता है तो जो एडिक्शन है वो कम हो जाता है। आइए इस दिन हम सब मिलकर इस तंबाकू वाली नेगेटिव हैबिट को रूट लेवल से विश्व से खत्म करें। मित्रों, यदि भविष्य को उज्जवल बनाना है तो अच्छी बातों को आज ही करना सीखें,
अच्छी आदतों को आज ही धारण करना सीखें। जैसे आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो यदि हमारे अंदर ये आदत नहीं है तो पक्का संकल्प कि ये कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, हम इससे मुक्त रहेंगे। और यदि हमारे अंदर ये आदत है तो आज ही ये संकल्प कि मैं आज से कभी भी इसे टच नहीं करूँगा, आज ही मैं इसका त्याग करता हूँ, आज ही मैं इससे मुक्त होता हूँ। यदि ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर आ जाए कि आज ही करूँगा, जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे विचार हैं, आज ही इम्प्लीमेंट करूँगा, यदि ये हमारे अंदर सुंदर आदत आ जाए तो सचमुच जीवन हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। तो मित्रों, अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को आज ही करने की सुंदर आदत डालें, संकल्प रखें, दृढ़ता रखें। आइए इसी दृढ़ता के साथ, इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, व्यसनों के जीवन में दुष्परिणाम और उनसे मुक्ति की युक्ति की राह बताती हुई प्रस्तुत है ये लघु कविता व्यसन मुक्त जिंदगानी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, कुछ पल के मजे की है ये कहानी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, कुछ पल के ही मजे की है ये कहानी। तन मन फिर हो जाएंगे बेहद कमजोर, धन भी बह जाएगा बनकर के पानी। तन मन फिर हो जाएंगे बेहद कमजोर, धन भी बह जाएगा बनकर के पानी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी। क्या करूँ कहाँ जाऊँ, होगी जीवन में हताशा, जब ना होगी कहीं से मदद की कोई आशा। क्या करूं कहां जाऊं, होगी जीवन में हताशा, जब ना होगी कहीं से मदद की कोई आशा। स्वयं को व्यसनों का गुलाम बनाकर खुशियां खो जाएंगी बस मिलेगी निराशा। खुशियां खो जाएंगी बस मिलेगी निराशा। बुढ़ापे से भी बदतर हो जाएगी जवानी, बुढ़ापे से भी बदतर हो जाएगी जवानी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी। व्यसनों की गुलामी का यही होता अंजाम, मुस्कुराती जिंदगी को लग जाता विराम। व्यसनों की गुलामी का यही होता अंजाम, मुस्कुराती जिंदगी को लग जाता विराम। किंतु कहाँ ना जाए उसे राह का भूला, सुबह का भूला जो घर आए शाम। किंतु कहाँ ना जाए उसे राह का भूला, सुबह का भूला जो घर आए शाम। गिर के संभलने की है ये निशानी, गिर के फिर संभलने की है ये निशानी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी। ये तन है प्रकृति का दुर्लभ उपहार, व्यसनों से इसको न करना बेकार। ये तन है प्रकृति का दुर्लभ उपहार, व्यसनों से इसको न करना बेकार। आत्मविश्वास से निखरेगा जीवन, बुराइयों और दुर्गुणों की होगी फिर हार, बुराइयों और दुर्गुणों की होगी फिर हार। पकड़ लो जीवन की राह व रूहानी, पकड़ लो जीवन की राह व रूहानी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी। कुछ पल के मजे की है ये कहानी। और आत्मबल से मिलेगी व्यसनों से मुक्ति। अब कैसे मुक्त होए, व्यसनों से उसकी युक्ति भी तो चाहिए। आत्मबल से मिलेगी व्यसनों से मुक्ति, राजयोग है आत्मबल बढ़ाने की युक्ति। आत्मबल से मिलेगी व्यसनों से मुक्ति और राजयोग है आत्मबल बढ़ाने की युक्ति। सद्गुण के पुष्पों से महकेगा जीवन, व्यसनों से होगी फिर मन को विरक्ति। व्यसनों से हो जाएगी मन को विरक्ति। पा जाओगे मंजिल अगर पाने की है ठानी, पा जाओगे मंजिल कर पाने की है ठानी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी। ईश्वरीय नशा ये मन में बसाना है, व्यसनों से जीवन को मुक्त कर दिखाना है। ईश्वरीय नशा ही मन में बसाना है, व्यसनों से जीवन को मुक्त कर दिखाना है। राजयोग से अपना मनोबल बढ़ाकर खोया खजाना वापिस अब पाना है, खोया खजाना वापिस अब पाना है। बन जाओ पावन कहे शिव की वाणी, बन जाओ पावन कहे शिव की वाणी। व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी, व्यसनों में बर्बाद न करना जिंदगानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मित्रों, आध्यात्मिक किताबों की भी, जो आध्यात्मिक किताबें हमें आध्यात्म की शिखर की ओर लिए चलती हैं, हमारे जीवन को महानता की ओर लिए चलती हैं, हमारे जीवन में दिव्य गुणों का विकास करती हैं।
और जिन्होंने भी अध्यात्म का शरण लिया है, आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन किया है, सचमुच वो संसार के लिए अनुकरणीय हो गए हैं। सचमुच उन्होंने अपने जीवन को संसार के कल्याण के लिए लगा दिया है। ऐसे अनेक महापुरुषों को हम देखते हैं, जानते हैं और उनके जीवन से प्रेरित भी होते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थी मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की राजयोगिनी चंद्रो दीदी जी, जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करके, ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करके सारे संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगा दिया। उनका पल पल हर क्षण मानवता के कल्याण के लिए अर्पित था। आज उनका स्मृति दिवस है, आइए महकती यादों में हम उनके जीवन को देखें और कुछ उनके जीवन की अच्छी बातों को स्वयं में धारण करने का संकल्प लें। चंद्रो दीदी जी का जन्म अगस्त 1948 में भारत के मुंबई में हुआ। 1964 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। 1972 से 1975 तक आपने जाम्बिया, जिम्बाब्वे और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों में सेवा केंद्रों की स्थापना में मदद की। 1975 में आपने कनाडा में आध्यात्मिक सेवाओं की नींव रखी तथा वैंकूवर और टोरंटो में सेवा केंद्र स्थापित किए। 1977 में आपने अमेरिका में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की और टेक्सास के सैन अंटोनियो में पहले केंद्र की स्थापना के निमित्त बनी। आपने 1979 में सैन फ्रांसिस्को में पहला सेवा केंद्र स्थापित किया। तब से आपने अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद आपने कैलिफोर्निया के नुवाटो में वेस्ट कोस्ट अनुभूति रिट्रीट सेंटर की स्थापना की। चंद्रो दीदी सैन फ्रांसिस्को इंटरफेथ काउंसिल की संस्थापक सदस्य भी रही। आपने सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो में भी सेवा केंद्र की स्थापना की। आपके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था बाबा, मधुबन, यज्ञ, परिवार और दादियों के प्रति अथाह प्यार। आप में गजब की नेतृत्व की शैली थी। आप कभी भी खुद आगे नहीं आती थी बल्कि लोगों पर विश्वास रखकर उनको आगे बढ़ाती रही। सबको ऐसा महसूस होता था कि हमें किसी भी तरह चंद्रो दीदी के विश्वास का रिटर्न देना ही है। आप एक नामी और इकोनॉमी से यज्ञ के एक एक पैसे को सफल करती रही। आपकी तपस्या और आपकी विशेषताएं हमें सदा ही प्रेरित करेंगी और आप हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। बचपन में हम सब एक प्रार्थना किया करते थे, वो बहुत ही जैसे चिंतनीय है और अपने जीवन में शामिल करने योग्य है। हम कहा करते थे, गाया करते थे कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान ईश्वर हमें दे रहे हैं, अब आवश्यकता है उस ज्ञान को जीवन में शामिल करके अपने जीवन को आदर्श बनाने की, अपने जीवन को एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनाने की जो औरों को प्रकाश देकर उनके जीवन से भी अज्ञान के अंधकार को दूर कर सके। आइए ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बन जाएं। नमस्कार, ओम शांति।